अक्सर आपने ड्राई आइस के बारे में जरूर सुना होगा। ड्राई आइस को हिंदी में सूखी बर्फ कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ड्राई आइस क्या होती है और इतनी खतरनाक क्यों होती है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। अगर आप ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ क्या होती है? दोस्तों, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। एक ड्राई आइस के टुकड़े के सतह का तापमान 78 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी यह सामान्य बर्फ की तुलना में अधिक ठंडा होता है। ड्राई आइस अधिक तापमान के संपर्क में आने से पानी बनने के बजाय धुआं बनकर उड़ने लगती है, मतलब यह गैस के रूप में पिघलती है। ड्राई आइस कैसे बनाई जाती है? दोस्तों, इस बर्फ को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को 109 डिग्री फारेनहाइट तक ठंडा करके कॉम्प्रेस किया जाता है, जिससे यह गैस बर्फ में रूपांतर होती है और इसके छोटे या बड़े टुकड़े किए जाते हैं। ड्राई आइस इतनी खतरनाक क्यों होती है? यह बर्फ इतनी खतरनाक नहीं होती क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हालांकि यह काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। यह त्वचा के संपर्क में आने से हमारी कोशिकाएं जमने लगती है और मर जाती है। साथ ही इसे एयरटाइट बॉक्स में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे गैस निकलती है और गैस के कारण विस्फोट भी हो सकता है। ड्राई आइस कहाँ इस्तेमाल होती है? जब ड्राई आइस को गर्म पानी में डालते हैं तो इसमें से धुआं निकलती है, इसलिए फोटोशूट थिएटर में बादल और कोहरे का इफेक्ट देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।